नीतीश कुमार की विपक्षी एकता बैठक में तीखी नोकझोंक देखने को मिली है। बैठक में आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला आपस में भिड़ गए। इसके बाद बीच बचाव करके मामले को शांत कराया गया। पटना में विपक्षी एकजुटता को लेकर शुक्रवार को एक बैठक रखी गई, लेकिन शुरू होते ही यह बैठक नेताओं की आपसी लड़ाई की भेंट चढ़ गई। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में सभी दलों के नेता एक साथ आए और कुछ मुद्दों पर टकरार हो गई। आपने विपक्षी एकता बैठक में कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया है। आपने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच समझौता है कि जब दिल्ली सेवा अध्यादेश संसद में लाया जाएगा तो कांग्रेस वॉकआउट करेगी। आम आदमी पार्टी ने इस अध्यादेश के खिलाफ सभी दलों का समर्थन मांगा है। इस बैठक के दौरान उमर अब्दुल्ला ने केजरीवाल को असहज कर दिया। आपको बता दें कि इस दौरान ममता बनर्जी भी कांग्रेस पर बिगड़ती हुई नजर आईं। उन्होंने कहा कि यहां पर विपक्षी एकता की बात कही जा रही है। कांग्रेस बंगाल में लगातार धरने प्रदर्शन कर रही है और लगातार टीएमसी पर नारेबाजी भी की जा रही है। अरविंद केजरीवाल के कांग्रेस पर लगाए गए आरोप पर तुरंत दूसरी ओर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला ने यह पूरा मोर्चा संभाला। उमर अब्दुल्ला ने केजरीवाल से कहा कि जब जम्मू से 370 हटाई जा रही थी तब आपकी पार्टी ने सरकार के साथ वोट किया था, तब तो आपने हमारा समर्थन नहीं किया। आज आपके ऊपर संकट आया है तो आज आप चाहते हैं कि सब आपका साथ दे। इसके बाद दोनों की उलझने पर शरद पवार ने बीच बचाव करके मामले को शांत कराया। इसके बाद उन्होंने कहा कि साथ काम करना है तो मतभेदों को दूर रखना होगा।